तो जैसे शेल यस प्रॉब्लम में सर, हमने लास्ट टाइम किया कि अगर इसमें अर्थिंग है और अगर ये Q1 है, ये चार्ज मैंने दिया, तो बाय इंडक्शन यहां पर चार्ज क्या आया? माइनस Q1। और मैंने क्या बताया? अर्थिंग में इंडक्शन लेनी है, सिग्मा में इंडक्शन लेनी है। तो अगर ये माइनस Q1 है तो आप ये सोचेंगे कि ये प्लस Q1 करते हैं, क्योंकि इंडक्शन तो यही कहते हैं। पर अर्थ इस चार्ज को मॉडिफाई कर देगी। अर्थ क्या करेगी? ये चार्ज को Q1 रहने नहीं देगी। उसका रीजन है क्योंकि जिसको अर्थ ने टच कर लिया उसका पोटेंशियल क्या आना चाहिए? जीरो। और अगर मैं प्योर इंडक्शन लेता हूं तो अब चेक करें पोटेंशियल क्या आ रहा है। अगर मैं अपने रूल लगाता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पर Q1 कितना पोटेंशियल लगा रहा है? Q1/2R। -Q1 कितना लगा रहा है? -Q1/2R। +Q1 क्या लगा रहा है? Q1/2R। तो ये हो गया कैंसिल। देखो नेट आंसर जीरो नहीं आया, मानते इस चीज को, नेट आंसर जीरो नहीं आया, लेकिन आंसर नेट क्या आना चाहिए? जीरो। अब जीरो लाने के लिए अर्थ क्या करेगी? इस चार्ज को मॉडिफाई करेगी। देखो अर्थ जिसको टच कर ली थी उसी चार्ज को मॉडिफाई कर देती है। तो अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इस चार्ज को मॉडिफाई करके कितना कर गई? Q डैश। मुझे पता नहीं है Q डैश कितना है, तो मैंने भी यहां पर जो आखिरी वाली जो टर्म है इसमें मैंने क्या पुट कर लिया? Q डैश/2R। क्लियर है यहां तक? तो अब मुझे ये पता है कि ये और ये आपस में क्या हो गए? अब कैंसल। और नेट आंसर क्या आ गया? लेट अस सपोज जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली Q डैश लगाने से अर्थ का पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करो, ये भी जीरो से कट गया, तो Q डैश ऑटोमेटिकली कितना आ गया? जीरो। तो पहला पॉइंट ये क्लियर है, समय क्लियर है यहां तक? यस सर, तो क्यों मैंने Q डैश को जीरो लिया, समझ में आ रहा है? ताकि नेट पोटेंशियल अर्थिंग की वजह यस से क्या हो जाए? जीरो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने फिर से अर्थिंग कर दी। जब मैंने अर्थिंग की तो ये आपके पास अर्थिंग का सिंबल है, तो मैंने यहां पर चार्ज क्या दिया? क्यू। यहां पर इंडक्शन लगाई माइनस क्यू, कायदे से बनना चाहिए प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू। पर जहां अर्थ ने टच किया वहां पर हमने चार्ज को क्या कर दिया? Q डैश, क्योंकि अर्थ अपने अकॉर्डिंगली काम करेगी और पोटेंशियल को क्या कर देगी? यहां पर जीरो। तो यहां पर क्यू नहीं रहेगा, यहां पर Q डैश हो जाएगा। और अगर ये Q डैश है तो ये माइनस Q डैश है, ये माइनस Q डैश है तो ये प्लस Q डैश है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? समय क्लियर है यहां यस तक? सर, ठीक। तो अब यस आपने सर, कुछ नहीं करना, यहां के पोटेंशियल को जीरो करना है। आप जीरो कैसे करेंगे? ये अंदर का क्यू चार्ज यहां पर कितना पोटेंशियल लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2R। माइनस क्यू क्या लगाएगा? -Q/2R। प्लस Q डैश क्या लगाएगा? Q डैश/2R। -Q डैश क्या लगाएगा? क्योंकि ये पॉइंट आउटर शेल के अंदर है तो -Q डैश अपने सरफेस जितना लगाएगा 3R, और ये वाला भी चार्ज 3R इक्वल टू जीरो कर देंगे। Q डैश कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? ओके सर, ठीक। यस सर, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसमें हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो शेल्स हैं जैसे ए रेडियस और बी रेडियस, और हमने यहां पर चार्ज Q1 और Q2 दिया, मेरे ऊपर ऊपर वाली प्रॉब्लम भी समझा दो, स्विच वाली जो है। ये वाली यस देखो, सर, इसमें मैंने ये बताया कि अगर मैंने ये अंदर से अर्थिंग कर दी, मैंने इनसाइड अर्थिंग कर दी, अभी मैंने अर्थिंग की नहीं है, जब मैंने अर्थिंग की नहीं है तो ये 2Q है और ये Q है, पर जैसे ही अर्थ करूंगा, अच्छा अगर मैंने सपोज चलो अर्थिंग नहीं की, लेट अस सपोज, तो बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2Q/R, और Q की वजह से क्या होगा? Q/ कितना? 3R। देखो जीरो नहीं आ रहा, जीरो नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे हम इसमें? अगर आपने इसको टच कर दिया अर्थ के साथ तो सबसे पहले 2Q मॉडिफाई हो जाएगा किसमें? क्यू डैश में। अर्थ चेंज कर देगी, तो अर्थ ने चेंज करके क्या कर दिया इसे? Q डैश। अब पोटेंशियल बोलो यहां पर क्या आना चाहिए? जीरो। तो Q डैश ने कितना पोटेंशियल लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश/R, और 2Q इस Q ने कितना लगाया? Q/3R। तो नेट आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। वहां से Q डैश कैन बी कैलकुलेटेड, नेट पोटेंशियल जीरो। तो अर्थ जिसको टच करेगी वो Q नहीं रहेगा, वो Q डैश हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है यहां तक? इसके बाद यस सर, हमने ये किया कि अगर दो शेल्स हैं और हमने ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, हमने बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, वी ए वी बी, और हमने देखा कि
कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा है क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर छोटा है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी। तो जब मैंने इन्हें माइनस किया वी ए और वी बी को, तो आपने एक चीज नोट की, क्यू टू कैंसल हो गया, और जब क्यू टू कैंसल हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, क्यू पे डिपेंडेंट है, क्यू वन पे डिपेंडेंट है, इनर शेल के चार्ज पे डिपेंडेंट है, आउटर शेल के चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, मैंने बताया था कि आपने आउटर शेल को चार्ज Q2 की जगह Q3 कर दिया, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि Q2 पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता ही नहीं। आपने आउटर शेल को अर्थ कर दिया तो कर दो अर्थ, चार्ज हटा दिया तो हटा दो, चार्ज डबल कर दिया तो कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। सीधा शॉर्टकट है ये, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एक और शॉर्टकट करेंगे, सपोज करो आपके पास दो शेल्स हैं और आपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाला अभी पिछले क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी, जो कि इनर शेल के चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन है कि मान लो मैंने एक कंडक्टिंग स्प्रिंग से इन्हें कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, तो एक ना रूल है, नेचर का रूल है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, एंड नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, उल्टा चलता है, पॉजिटिव मूव करता है हायर से लोअर, नेगेटिव मूव करता है लोअर से हायर। अब इनर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे पता है कि यहां पे जो इनर शेल है यहां पर पोटेंशियल बड़ा है और आउटर का पोटेंशियल छोटा है। क्लियर है यहां तक, तो वैसे भी साफ पता लग रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस में वी ए बड़ा है और वी बी छोटा है, या मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इस पोटेंशियल डिफरेंस में या तो Q1 पॉजिटिव होगा या Q1 नेगेटिव हो सकता है। तो मान लो Q1 पॉजिटिव है, अगर Q1 पॉजिटिव है तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और अगर वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी, तो अंदर का पोटेंशियल बड़ा है और बाहर का पोटेंशियल छोटा है। अब यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आप खुद देखें ये सारा चार्ज Q1 अंदर के शेल हायर पोटेंशियल से कहां शिफ्ट हो जाएगा, बाहर के लोअर पोटेंशियल पे शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, कितना, सारे का सारा। वो क्यों, सारे का सारा इसलिए, चार्ज तब तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों शेल के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते, एग्जैक्टली सेम। सोचो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज कहां पर शिफ्ट हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया, अंदर कुछ नहीं रहा। तो अगर सारा चार्ज बाहर है शेल के, तो शेल के ऊपर पोटेंशियल और शेल के सरफेस के अंदर कहीं पर भी पोटेंशियल की वैल्यू रिमेंस सेम, तो हो गया ना पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा दोनों पे, तो इसलिए सारा का सारा चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्टकट याद रखना है, क्या शॉर्टकट है, कि आज के बाद अगर दो शेल्स हैं और अंदर का चार्ज पॉजिटिव है, आपने शेल्स को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो अंदर का सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आउटर पे शिफ्ट हो जाएगा, रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर ये जो Q1 है ये पॉजिटिव ना होते हुए क्या हो गया, नेगेटिव, अब VA माइनस VB क्या आ गया, नेगेटिव, VA माइनस VB नेगेटिव का मतलब VA छोटा है और VB बड़ा है, अंदर का यानी कि शेल लोअर पोटेंशियल पे है और बाहर का हायर पोटेंशियल पे है, पर क्योंकि अंदर का चार्ज भी नेगेटिव है, हमने अस्यूम के अंदर चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो नेगेटिव चार्ज भी अंदर के शेल से उठ के कहां चला जाएगा, बाहर ही जाएगा। तो रूल नंबर टू, अगर अंदर नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, तो नेगेटिव चार्ज सारे का सारा बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो रूल तो बड़ा सिंपल हो गया। क्या रूल हो गया, दो शेल्स हैं, कंडक्टिंग वायर है, अंदर चार्ज नेगेटिव है, अंदर चार्ज पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, सारे का सारा अंदर का चार्ज बाहर शिफ्ट हो जाएगा, बात खत्म। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? Yes, sir. मैंने ये बताया कि अगर वी ए क्यू वन नेगेटिव है, तो अगर मैंने ये बताया कि अगर अंदर का चार्ज क्यू वन नेगेटिव है, ठीक,
तो उस केस में वी बी बड़े, ये वी बी बड़े, वी ए छोटे। तो नेगेटिव चार्ज मूव, ये अगर नेगेटिव है तो ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो वी ए छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ठीक, उसी तरीके से ये हमने कर लिया था शायद लास्ट टाइम, किया था ये नहीं किया, नहीं किया। इसके अंदर ये एक कंडक्टिंग शेल है और थिक है, मोटा है, इसमें कंडक्टिंग मटेरियल डला हुआ है, ये देखो येलो कलर का, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू। तो अगर ये क्यू चार्ज है और मुझे क्या करना है, मुझे एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, वी और ई निकालना है। तो मैंने इसमें इंडक्शन सपोज लगा दी, ठीक, देखते हैं फायदा हुआ कि नहीं होगा। मैंने आपको रूल बताया कि फायदा नहीं होगा, क्योंकि दो शेल्स में फायदा होता नहीं इंडक्शन का, जब ई और वी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं ई, तो अंदर का शेल यहां पर, सॉरी ये पॉइंट चार्ज यहां पर ई क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये शेल माइनस क्यू क्या लगाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है इस शेल के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये रहा। और बाहर का क्यू क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई अगेन एक्स स्क्वायर। तो क्यू और माइनस क्यू का इफेक्ट कैंसल। तो यानी कि आपने अगर इंडक्शन नहीं भी की होती तो आंसर रिमेंस सेम। मैंने बोला ना, अगर अर्थिंग नहीं हो रखी, ई और वी की प्रॉब्लम है, तो इंडक्शन ना लगाओ, सीधा आंसर आएगा। ऐसी इंडक्शन ना लगाओ, मत लगाओ, तो वी का आंसर क्यू की वजह से क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स, डन। पर अगर इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, सिग्मा, फिर इंडक्शन लगानी है। तो इनर सरफेस का सिग्मा क्या होगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर, और आउटर का क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई बी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। ये क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक फिर से शेल है, शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, गिवन नहीं है, सिर्फ ये गिवन है कि वी पोटेंशियल है शेल का, सिर्फ वी पोटेंशियल है शेल का, और आर इसका रेडियस है। स्मॉल आर डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। लेकिन आपको जो वी गिवन है वो इसकी सरफेस पे गिवन है, चार्ज नहीं गिवन। तो आपको आपका आंसर वी की फॉर्म में निकालना है। तो रूल नंबर वन, वी का फॉर्मूला, हमें वी वी तो गिवन ही है, तो मान लेते हैं शेल के ऊपर चार्ज क्यू है, शेल की सरफेस के ऊपर वी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यू निकाल लिया, चार्ज आ गया, क्योंकि चार्ज तो गिवन नहीं था, तो हमने पहले चार्ज निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये मैंने पुट किया, और चार्ज क्यू को यहां से उठा के यहां पुट किया, आंसर आ गया। तो ई की प्रॉब्लम वी की फॉर्म में सॉल्व कर दी। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कैसे करना है। इसको ऐसा भी कर सकते थे, पहले आप वी का फॉर्मूला लिख लें, फिर आप ई का फॉर्मूला लिख लें, इन दोनों को डिवाइड कर लें क्यू से क्यू, वैसे ही कैंसल आंसर आ जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, वो ज्यादा ईजी है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार आता है, एनसीईआरटी मेंस और नीट तीनों में बहुत बार आया होगा, पुराने पेपर चेक कर लेना। तो नीट वालों को तो जो मैंने शीट दी है उसका पहला क्वेश्चन ही है वैसे तो, n की पावर 2/3 × v, वो अलग बात है उसकी चारों ऑप्शन में से आंसर गलत है पीछे नीट के क्वेश्चन में, तो ठीक कर लेना उसे। तो क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट स्मॉल एंड स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, तो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं सेम साइज के, एन नंबर हैं, चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल ऑफ वी ईच, हर छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल वी है, कंबाइन कर दिए एक बड़ा ड्रॉप बन गया। तो रूल नंबर वन, जब कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बना तो वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम सेम हो जाएगा। टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप फाइंड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो आपको पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का निकालना है। तो रूल नंबर वन, छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनाए, तो वॉल्यूम को इक्वेट कर दें, तो एन ड्रॉप्स का छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के इक्वल हो गया। तो यहां से सॉल्व करके कैपिटल आर और स्मॉल आर की रेशियो आ गई, तो बड़े ड्रॉप का रेशियो रेडियस आ गया।
पोटेंशियल छोटे ड्रॉप का सरफेस पे क्या गिवन है, वी। छोटे ड्रॉप का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। चार्ज मान लो क्यू, तो छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, चार्ज एडिटिव है, हवा में तोड़ नहीं जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, बड़े ड्रॉप के ऊपर चार्ज क्या जाएगा, एन क्यू। चार्ज तो ऐड हो गया, एन क्यू हो गया। तो अब अगर बड़े ड्रॉप के ऊपर चार्ज एन क्यू है, बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, तो बड़े ड्रॉप के ऊपर पोटेंशियल आपको निकालना है। फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन क्यू डिवाइडेड बाय बड़ा आर। क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म आ गई। इसमें कैपिटल आर की वैल्यू हमने ऊपर वॉल्यूम से क्या निकाली थी, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। एन की पावर 1, एन की पावर 1/3, माइनस करके एन की पावर 2/3, और ये छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल इज एन रेज टू पावर 2/3 इंटू छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल। तो आप फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला लिखें कि अगर एन ड्रॉप्स हैं, तो फॉर्मूला बुकलेट जो मेंटेन कर रहे हो ना, उसमें फॉर्मूला लिखें कि इफ एन ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तो बड़े ड्रॉप का, ये बिग ड्रॉप का पोटेंशियल इज एन रेज टू पावर 2/3 इंटू स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। लिख लें, ये सीधा फॉर्मूला बहुत काम आएगा, और ये बहुत बार एनसीईआरटी नीट और मेन में आता है क्वेश्चन, तो सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे, बात ही खत्म। ठीक है, तो ये एक साल बाद याद नहीं रहेगा ना, एन पर 2/3, तो लिख लें, फटाफट रिवीजन में निकल जाएगा।